क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे हर समय सोते रहते हैं, नींद उनको घेरे रहती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, जैसे ही पढ़ने बैठते हैं और उबासी आनी शुरू हो जाती है, नींद आनी शुरू हो जाती है। एक कॉमन प्रॉब्लम है हम पेरेंट्स की, बच्चों को नींद बहुत आती है, तो क्या करें? आज का ब्रह्म वाक्य है आपके काम का, क्या करना है? आज मंगलवार का दिन है, स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल रंग के वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइएगा। पूजा स्थान पर जब आप बैठे तो आपका जो मुख है वो या तो पूर्व दिशा की तरफ रहेगा या उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। आसन ग्रहण करके हनुमान जी महाराज की प्रतिमा या तस्वीर के ऊपर गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कर दे या गुलाब का पुष्प अर्पण कर दे। तत्पश्चात में एक तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, तिल्ली का तेल हो, चमेली का तेल हो, सरसों का तेल, जो भी उपलब्ध तेल हो उस तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। अपने पढ़ने वाले बच्चे की तस्वीर, एक पासपोर्ट साइज की फोटो सीधे हाथ में रखिएगा। सीधे हाथ में रखने के पश्चात में बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ क्लेश विकार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरौ क्लेश विकार, इस चौपाई का 108 बार जाप करना है। फोटो के ऊपर ध्यान रखिएगा, आपको 7 इलायचियां रखनी है, 7 इलायची फोटो के ऊपर, पासपोर्ट साइज की फोटो बच्चे की, उस पर 7 इलायची, और तत्पश्चात में ये चौपाई बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरौ क्लेश विकार, 108 बार इस चौपाई का जाप करके हनुमान जी महाराज की आरती पुष्पांजलि कर लीजिएगा। पुष्पांजलि करने के पश्चात में ये जो इलायची है, रोजाना एक एक इलायची दूध में या चाय में डाल के अपने बच्चे को पिलानी है, 7 दिन तक ये करना है। अगले मंगलवार फिर ये कार्रवाई आपको करनी है, नई 7 इलायची लेनी है, यही चौपाई रहेगी। क्या होगा? मिलेगी आपके बच्चों को बहुत ज्यादा नींद आने की समस्या से मुक्ति, उबासियों से मुक्ति, पढ़ने बैठते हैं और नींद आने लग जाती, इस समस्या से परमानेंट मुक्ति।